Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 1985 में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक आइस ब्रेकर शिप अंटार्कटिका के कुछ बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है और वहीं 133 दिनों तक अटका रह जाता है जिसके बाद कैसे उसके अंदर मौजूद 77 लोग खुद की जान बचाते। कहानी की शुरुआत होती है मिखेल नाम की एक बड़े से शिप से जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा है। इस शिप का कैप्टन पेट्रो है जो कि काफी होनहार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। उसके लिए शिप पर मौजूद हर एक लोग की जान की कीमत है और शायद यही असली डेफिनेशन है एक ट्रू लीडर की। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी पेट्रो की नजर सामने खड़े एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ती है जो उसी के रास्ते में आ रहा था, इसीलिए वो सभी को फॉरेन कैबिन में बुलाता है और अलर्ट हो जाने का ऑर्डर देता है। वो तुरंत अपने पूरे शिप को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है पर शिप का पिछला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है जिसकी वजह से पूरे शिप में एक जोरदार झटका लगता है। हालांकि ये आइसबर्ग शिप्स जो होते हैं इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें ये किसी भी तरह के आइसबर्ग को तोड़ सके या फिर उनसे बचकर निकल सके, पर इस बार इनका सामना कुछ बहुत बड़ी चीज से हो गया था इसलिए पूरे शिप पर सायरन बजना शुरू हो जाता है। इस टक्कर की वजह से जो बर्फ के टुकड़े थे वो सीधा आकर शिप के डेक पर गिरना शुरू हो जाते हैं जिससे कि शिप को काफी नुकसान होता है। और इसी बीच पेट्रो को ये भी पता चलता है कि बर्फ के गिरने की वजह से उनका रडार सिस्टम टूट गया है जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी उनके समय आ जाती है जब सभी को पता चलता है कि उनका क्रू मेंबर झटके की वजह से नीचे पानी में गिर गया। सभी लोग फौरन बाहर आते हैं और देखने लगते हैं कि कैसे करके उस आदमी को बचाया जाए। उसके साथ उसका डॉग भी नीचे गिर गया था। कैप्टन फौरन शिप को रोकने का ऑर्डर देते हैं लेकिन वाइस कैप्टन इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उसका कहना था कि वो ऐसा करके और लोगों की जान मुसीबत में डाल रहे हैं क्योंकि शिप को रोकने से वो एक जगह पर अटक जाएंगे। पर पेट्रो उसकी नहीं सुनता और नीचे सीढ़ी डालने का ऑर्डर देता पर उससे भी कोई काम नहीं बन रहा था। इसी दौरान एक बंदा नीचे कूद जाता है जिसके पीछे एक रस्सी भी बंधी हुई थी। वो उस इंसान को बचाने की कोशिश तो करता है पर इतनी ही देर में वो इंसान पानी की बहुत गहराई में जा चुका था इसीलिए उसे बचाया नहीं जा सकता था। पर वो उसके डॉग को ऊपर ले आता है और बचा लेता है। लेकिन अब इस आइसबर्ग के टकराने की वजह से इनके शिप को जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से अब इनके रडार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पेट्रो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि वो कैप्टन है, उसकी जिम्मेदारी है सभी को बचाने की। वो शिप को फिर से ऑन करता है और आगे की ओर ले जाने लगता है पर उनके पीछे पीछे एक बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा था। इसके साइड साइड में एक बड़ी सी परत भी जम चुकी थी जो शिप को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर ये लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इनके शिप का फ्यूल भी खत्म हो सकता है। वाइस कैप्टन को लगता है कि ये सारी चीजें पेट्रो की वजह से हुई है, उसने ही गलत फैसला लिया जिसकी वजह से आज उनकी और उनके शिप की ये हालत हुई है। वो एक दिन धीरे से एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें लिखता है कि पेट्रो की वजह से उनका शिप पहले तो एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया और फिर उसकी जल्दबाजी में उनके एक क्रू मेंबर की भी जान चली गई और अंत में अब उनका रडार भी टूट चुका है बर्फ की वजह से। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कैप्टन पेट्रो है। वो इस रिपोर्ट को रशिया फैक्स कर देता है। जब इस बारे में सारे क्रू को पता चलता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि पेट्रो ने ये जानबूझकर नहीं किया। अब कुछ दिन बाद रशिया से ऑर्डर आता है कि जब तक दूसरे कैप्टन वहां नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाएगा और पेट्रो को उसकी पोस्ट से हटाया जाता है। उसके पास कोई और ऑप्शन ना होने के बजाय उसे ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए वो सभी से माफी मांगता है और रिजाइन दे देता है पर वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाता है जो कि कुछ दिन तक अब इस शिप को संभालेगा। लेकिन ये शिप को अब आगे पीछे करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये चारों ओर बर्फ से ढक चुका है और जम भी चुका है। कुछ दिन के इंतजार के बाद चॉपर से एक नए कैप्टन जॉन को यहाँ भेजा जाता है और फिर उसी चॉपर से पेट्रो को वापस जाना है। वो आखिर बार अपने सभी लोगों से मिलता है और उन्हें थैंक यू कहता है, उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा। जिसके कुछ देर बाद कैप्टन जॉन आ जाते हैं पर इतनी तेज हवाओं के कारण चॉपर के इंजन में आग लग जाती है और वो फटने ही वाला होता है कि इतने में आकर पेट्रो कैप्टन की जान बचाता है, उन्हें दूर लेकर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जॉन को थैंक यू कहना चाहिए लेकिन वो तो उसे कहता है कि तुम्हारा रशिया की कोर्ट इंतजार कर रही है, मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से एक क्रू की जान भी चली गई है। वो उसे टॉन्ट मारते हुए अपने कैबिन में चला जाता है जहाँ का एक क्रू मेंबर क्यूब को सॉल्व कर रहा था, जो देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता और वो उसके क्यूब को उठाकर बाहर फेंक देता है। मतलब कि जॉन का नेचर गुस्से वाला और वो सभी को डांटता भी है कि आज से यहाँ के सारे रूल चेंज होंगे, सभी को उसके ऑर्डर फॉलो करने हैं क्योंकि अब वो यहाँ का नया कैप्टन है। वो शिप को जबरदस्ती आगे करने का ऑर्डर भी देता है, सभी को उसे मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनके शिप में और भी खराबी आ सकती, पर वो नहीं सुनता और इसीलिए शिप को आगे खिसकाना पड़ता है। पर कुछ देर जाने के बाद वो भी बंद पड़ जाता है। अब उसका खिसक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उन्हें अब यहाँ से रेस्क्यू ही करना पड़ेगा जो कि आसान नहीं है क्योंकि ऐसे एरिया में किसी भी चॉपर का आना सही नहीं है। जैसे कि एक चॉपर पहले ही खराब हो चुका है, वहीं दूसरी ओर हम पेट्रो की वाइफ को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है और उसको पता चल चुका है कि पेट्रो का शिप अब फंस चुका है।
और यहाँ एक नए कैप्टन को भेजा गया, इसीलिए वो मिनिस्टर के चक्कर काटना शुरू कर देती है ताकि जल्द से जल्द किसी रेस्क्यू को शुरू किया जाए, वरना ठंड में वो सभी लोग मारे जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ शिप पर पेट्रो की निगरानी में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें सभी लोगों से सुझाव लिए जाते हैं कि कैसे वो लोग इस मुश्किल से बाहर निकल सकेंगे। एक स्टाफ का आदमी उठकर अपना आइडिया बताता है कि उन्हें कुछ बैरल तेल को आइस में फेंक कर उन्हें विस्फोट करना चाहिए, क्या पता उस विस्फोट से आगे जाने का रास्ता साफ हो जाए। अब पेट्रो को कहीं ना कहीं ये आइडिया ठीक लगता है। इतने में वहां पर कैप्टन जॉन आते हैं। वो पेट्रो को लीड करता हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और फौरन मीटिंग को बंद करने को कहता है, और जो आइडिया उसे स्टाफ मेंबर ने बताया था उसे भी खारिज कर देता है। इससे साफ पता चलता है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों ही पेट्रो से जलते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई भी पेट्रो की बात सुने और उसके ऑर्डर को फॉलो करे। यहाँ जॉन सभी से कहता है कि अगर हमने विस्फोट किया तो हमारा कई गैलन पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा और ऐसे में हमें नहीं पता कि हमें कितने दिन और यहाँ पर रुकना पड़ सकेगा, जिसके लिए वो इमरजेंसी का ऐलान कर देता है, यानी कि आज से आने वाले दिन में हर चीज में कटौती होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि सभी को कम खाना मिलेगा, बिजली की पूरी बचत होगी, किसी भी तरह का कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सब लोग कैसे भी करके शिप को बाहर निकालने का सोचेंगे। जॉन के ऑर्डर के कुछ ही देर बाद पूरे शिप के आधे से ज्यादा लाइट को बंद कर दिया जाता है। पेट्रो इन सब चीजों को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि उसे अंदाजा है कि यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए अगले दिन वो एक फ्लेयर लेकर चुपचाप शिप से बाहर जाने लगता है, उस आइसबर्ग के बारे में और जानकारी लेने लगता है। ऐसा करते हुए एक आदमी उसे देखता है और वो भी उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। पेट्रो चुपचाप बाहर आ जाता है और वहां देखता है कि कैसे उनका शिप बर्फ की कई मीटर मोटी परत के बीच में जम चुका है। ना तो वो आगे खिसक सकता है और ना ही पीछे आ सकता है। वो थोड़ी दूर और आगे जाता है, उसे कैप्टन जॉन का उस दिन फेंका हुआ क्यूब मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और आगे की ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन इतने में उसका पैर एक आइसबर्ग पर पड़ता है जो कि टूट जाती है। वो सीधा गिर जाता है, पर दोस्तों यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शातिर था। वो उसी समय अपनी फ्लेयर को जला देता है, जिससे कि शिप पर मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और फौरन बाहर की ओर ले आते हैं। लेकिन अंदर जाने पर उसे फिर से जॉन की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटा था। वहां से उसने इतनी देर में बहुत सी ऐसी बातें नोटिस कर ली जो किसी ने नहीं करी थी। अभी तक वो कैप्टन को बताता है कि हमारा जहाज जम चुका है और इसके आसपास कई मीटर मोटी परत जम चुकी है, और इससे भी बड़ी मुसीबत की बात यह है कि हमारे पीछे एक आइसबर्ग का बड़ा सा टुकड़ा पानी के रास्ते से आ रहा है जो कि उसी बड़े आइसबर्ग का हिस्सा है, पर टक्कर की वजह से अब वो टूट गया है। उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम सभी जम जाएंगे। पर कैप्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब पेट्रो अपनी जेब से वही क्यूब निकाल कर उसे देता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये क्यूब बहुत ही पीछे फेंका था तो यहाँ इतने करीब कैसे आ गया। यानी कि पेट्रो की बात सही है, कुछ टुकड़े उनके साथ बहकर यहाँ तक आ गए और सबसे बड़े वाला टुकड़ा जस्ट उनके पीछे ही है, इसीलिए उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यहाँ कैप्टन को पेट्रो की काबिलियत देखकर हैरानी होती है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नीचे जाने की वजह से पेट्रो की हालत बहुत बुरी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसे पता है कि कुछ दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके खाना खत्म हो रहा है, फिर पानी खत्म होगा, फिर पेट्रोल, और एक दिन वो लोग भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो भी करना होगा उसे जल्दी ही करना होगा। अब सारे क्रू मेंबर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए वो खुद को हौसला देने के लिए गिटार प्ले करना शुरू कर देते हैं और खुद का दिमाग थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में वहां पर कैप्टन आ जाता है और उन सभी को डांटता है, यहाँ तक कि वो उनका गिटार तक तोड़ देता है और सभी को पूरे डेक को साफ करने की पनिशमेंट देता है। इन सब चीजों को देखकर किसी को खुशी नहीं मिलती, खासकर पेट्रो को, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ ऐसी जाती होती हुई नहीं दे सकता। इसीलिए वो कैप्टन से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि रक्षा मंत्रालय को हम में से किसी की कोई फिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो कब का आ जाते हमें बचाने के लिए। इसीलिए बेहतर है कि हम सभी साथ में रहकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ना कि वो चीज करें जो तुमने अभी करी है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शिप के आसपास बर्फ की परत और बढ़ती जा रही थी जो कि खतरे की घंटी है। लेकिन कैप्टन को कोई भी फिक्र नहीं होती। पेट्रो उसे सुझाव देता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे सबसे करीब है, पर कैप्टन ऐसा करने के लिए मना कर देता है, जिससे कि पेट्रो भी पीछे हट जाता है। अब एक दिन जब सभी को क्रू मेंबर नीचे खाने वाले सेक्शन में होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक तरफ की दीवार सिकुड़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब बर्फ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी कि वो शिप के स्टील पर अपना जोर लगा रही थी, जिसकी वजह से वो शिप सिकुड़ता जा रहा था। वो लोग बहुत ही गौर से उसे देख रहे होते हैं कि इतनी देर में वो साइड फट जाती है और सारा पानी तेजी से अंदर आने लगता है। उन लोगों का सभी खाना खराब होने लगता है।
इसलिए जितने भी लोग थे वो सभी एक साथ टीम की तरफ ही डटे रहते हैं और उस होल को बंद करने में लग जाते हैं। एक बंदा जाकर ऊपर अनाउंसमेंट करवा देता है कि सभी को इस बारे में पता चल सके, जिसके बाद जैसे तैसे करके ये लोग उस छेद को बंद कर देते हैं। पर इतनी ही देर में इनका आधे से ज्यादा खाना खराब हो चुका था और न जाने कितने लीटर पीने का पानी बह चुका था। सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब सभी को लगने लगा था कि वो लोग नहीं बचेंगे। तो सभी मेंबर बहुत मायूस हो जाते हैं, सभी को कैप्टन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और उन्हें इस बात के लिए तय कर लेता है कि उन्हें कुछ बैरल आइस में विस्फोट करना चाहिए जिससे उन्हें आगे का रास्ता मिल सके। और ऐसे ही हम खड़े नहीं रह सकते, हमारे पास बस 3 ही दिन का पेट्रोल बचा हुआ। सभी मेंबर बगावत पर उतर आते हैं और कैप्टन जॉन की रूम की ओर बढ़ने लगे। उससे कहते हैं कि हम लोग अब आइस में धमाका करने के लिए जा रहे हैं और ये बोलकर वो उन्हें उनके रूम में बंद कर देते हैं और बाहर जाकर इस प्लान को शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जितनी बताने में आसान थी उतनी करने में मुश्किल, इसीलिए पेट्रो भी अब मना करता है इस चीज़ को करने का क्योंकि अब परत बहुत मोटी हो चुकी है और इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, बस हम अपना पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन वाइस कैप्टन चार्ली ने सभी के कान भर दिए थे इसीलिए कोई उसकी बात नहीं मानता। पर दोस्तों वो असफल होते हैं और साथ में अपने एक साथी को भी खो देते हैं, जिसे देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और समझ आ जाता है कि उन्हें कैप्टन और पेट्रो की बात सुन लेनी चाहिए। पर किसी ने नहीं सुना, वहीं चार्ली को इतना ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि वो एक रात यूनिफॉर्म पहनकर डेक पर जाता है और वहीं से कूदकर खुदकुशी करने का ट्राई करता है। लेकिन पेट्रो उसे रोक लेता है और हौसला देता है कि वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर जरूर निकलेंगे, ये उसका वादा है। वहीं क्लेयर जो कि पेट्रो की वाइफ है वो एक आइसबर्ग शिप पर सवार हो गई थी, खुद को अपने हस्बैंड को बचाने के लिए निकल जाती है। उसने हर किसी से मदद मांगी लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वहां शिप पर सभी लोग उस धमाके में मरे हुए आदमी को पानी में बहा देते हैं और इसे आखिरी अलविदा कहते हैं। इतने में डेक पर एक इंसान आकर सभी को शिप से बाहर आने को कहता है। जब लोग बाहर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक विशाल आइसबर्ग उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है और ये पहले वाले से दुगना है। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि नीचे बर्फ में अब दरार आने लगी है जो जाकर उस आइसबर्ग से टकरा रही है। जब ये पेट्रो देखता है तो डर जाता है क्योंकि ये उनके लिए खतरे का निशान है। लेकिन बहादुरी उसी को कहते हैं जो मुसीबत में भी बाहर निकलने का रास्ता खोज निकाले। पेट्रो को एक आइडिया आता है, वो कहता है कि हमें उस दरार के नीचे से होकर गुजरना होगा। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो हमें उस 100 मीटर के आइसबर्ग के नीचे से होकर गुजरना होगा, वो भी बिना टकराए। जॉन कहता है कि इसमें खतरा है, ऐसे में हमारा शिप डूब सकता है। लेकिन पेट्रो को यकीन था कि वो ये कर सकता है, इसीलिए वो कैप्टन को कहता है कि आप चॉपर लेकर उस आइसबर्ग के पास जाओ, हमें इंस्ट्रक्शन दो, उसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चॉपर में जाना यानी कि मौत से खेलना है क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। पर कैप्टन मान जाते हैं और पेट्रो के इस प्लान में शामिल भी हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग बहुत ही जोश के साथ अपने अपने पोस्ट पर लग जाते हैं, सभी को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बंदे को डेक में भेजा जाता है उस आइसबर्ग को ऊंचाई और कितनी दूरी है ये बताने के लिए। हालांकि ये करने में उसकी जान भी जा सकती है लेकिन वो बंदा मौत से नहीं डरता। पेट्रो इंजन को ऑन करता है और रिवर्स लेकर शिप को उसी दरार के डायरेक्शन में मोड़ देता है, जिसके बाद वो उस बड़े से आइसबर्ग के नीचे होकर बाहर आता है। ऐसे करने में थोड़ी मोड़ी टक्कर होती है लेकिन वो फिर भी कामयाब होता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पर कैप्टन का चॉपर अब अनबैलेंस हो चुका था, कुछ ही समय में वो वहीं क्रैश हो जाता है, जिससे कि कैप्टन और पायलट दोनों ही डूबने लगते हैं। सभी लोग आगे बढ़ने को कहते हैं, अब सभी लोग कैप्टन को आगे बढ़ने को कहते हैं क्योंकि ऐसे ही एक इंसान की जान बचाने के चक्कर में पेट्रो ने सभी की जान खतरे में डाल दी थी, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन पेट्रो ऐसे किसी को मरने तो नहीं दे सकता, वो फिर से रिवर्स करने का ऑर्डर देता और फौरन कुछ लोगों को क्रैश हुए चॉपर के पास भेज देता, जो कि इन दोनों लोगों को बचा लेते हैं। इतनी देर में उसके पास उस शिप का मैसेज आता है जिसमें क्लियर मौजूद थी। वो लोग इन्हें बताते हैं कि अब वो इनके करीब आ चुके हैं लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पर पेट्रो के शिप में अब फ्यूल खत्म होने को आ गया है, इसीलिए अब आगे नहीं बढ़ सकते। उधर कैप्टन आराम करने के बजाय फिर से कैबिन में आते हैं, जितना भी फ्यूल बचा था वो उसे यूज करके किसी सेफ जगह पर पहुंचने को कहते हैं जहां किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। वहीं डेक पर खड़ा एक क्रू मेंबर देखता है कि वो आइसबर्ग टूटकर पानी में समा गया है, जिससे सभी को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अब 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता है जिसमें क्लियर थी और कुछ मददकारी लोग भी। पेट्रो को सही सलामत देखकर वो उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद जो इनके पीछे एक आइसबर्ग शिप था वो इन्हें पेट्रोल दे देता है। अब ये लोग वहां से निकलकर खुले ओशियन में आ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सभी क्रू मेंबर कैप्टन को सैल्यूट करते क्योंकि उनकी हिम्मत ने ही उन्हें आज जिंदा रखा है, इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस जरूरी है। अब एक दिन इनके पास न्यूज़पेपर आता है जिसमें इन सभी की फोटोज छपी थी, जिसे देखकर पेट्रो बहुत खुश होता है क्योंकि वो फोटो किसी और ने नहीं बल्कि क्लियर ने ही खींची थी।
वो सभी हीरो बन चुके थे और अभी भी पेट्रो ही कैप्टन है, क्योंकि जॉन ने किसी की भी कंप्लेन नहीं की उस दिन के बाद से, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।